अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे जो कि कैपेसिटर्स का क्वेश्चन है। इसमें बताया गया इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर्स C1 एंड C2 इज 10 माइक्रोफेराड। हमें पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो C इक्विवेलेंट निकालते हैं वो आता है C1 प्लस C2 जो कि 10 माइक्रोफेराड दिया गया है। ठीक, पहला इन्फॉर्मेशन हम लोग ये बता सकते हैं कि C1 प्लस C2 ऐड करके 10 माइक्रोफेराड आएगा, है ना, पहला जो इन्फॉर्मेशन दिया उसके हिसाब से। अब व्हेन दीज कैपेसिटर्स आर इंडिविजुअली कनेक्टेड टू अ वोल्टेज सोर्स ऑफ 1 वोल्ट द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर C2 इज 4 टाइम्स दैट ऑफ C1। अब हमें पता है कि अगर वोल्टेज सेम रखा जाए तो कैपेसिटर जो एनर्जी होता है वो होता है हाफ CV2। वी सेम रखेंगे तो यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी हो जाएगा। तो जैसे U2 हो जाएगा हाफ C2 इंटू 1 वोल्ट का स्क्वायर, U1 हो जाएगा हाफ C1 1 वोल्ट का स्क्वायर, तो U2 बाई U1 इज इक्वल टू C2 बाई C1। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड है वो इसका 4 गुना है, मतलब U2 को 4U1 लिखा जा सकता है। ठीक, तो ये रेशियो कितना आ गया 4, यानी C2 बाई C1 इज इक्वल टू 4 हो गया। अब एक इक्वेशन ये है और दूसरा इक्वेशन ये है, दोनों को सोल्व करके C1 C2 का वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो क्या करेंगे इसमें, एक तो C1 है प्लस C2 के जगह पर यहाँ से 4C1 रखा जा सकता है। इस इक्वेशन में C1 प्लस C2 4C1 हो गया इज इक्वल टू 10 माइक्रोफेराड, यहाँ से C1 का वैल्यू हो जाएगा 2 माइक्रोफेराड और C2 जो है 4C1 है तो 4 × 2 यानी कि 8 माइक्रोफेराड ये आ गया। अब कहा गया कि इन दोनों को सीरीज में जोड़ा गया, है ना, आगे बताया गया इफ़ दीज कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज देयर इफेक्टिव कैपेसिटेंस विल बी। अगर इन दोनों को सीरीज में जोड़ा जाए तो सीरीज में सी इक्विवेलेंट कुछ ऐसे आएगा C1 × C2 / C1 + C2, है ना, तो 8 × 2 / 8 + 2 16/10 यानी 1.6 माइक्रो फेराड, है ना। तो देखेंगे जो थर्ड ऑप्शन है इसमें 1.6 माइक्रो फेराड दिया गया है।